हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो। गाइस, ये दुनिया की सबसे बड़ी घाटी आज हम बेगनार से चढ़ाने वाले, जो कि अपने फॉर्च्यूनर और थार से चढ़ा चुके हैं। तो गाइस, यहाँ से स्पीड बनाते हुए बढ़ा देते हैं और चढ़ा तो देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा टफ है और काफ़ी ऊंचाई तक दिख रही हो, है ना। बट अपन इसको चढ़ा के चेक करके आएंगे कि इसका लास्ट स्टॉप क्या है और कहाँ पर रुकती है और क्या है लास्ट स्टॉप, है ना, और किधर से उतरती है। जल्दी से जल्दी भगाते हैं, अपने को रास्ता छोड़ना नहीं है, कम्प्लीटली स्पीडली चढ़ाते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा लोड ले रही है वैसे तो कार अपनी, जो कि बेगनार छोटी कार की गिनतियों में आती है, बट चढ़ाते हैं, ध्यान पूर्वक चढ़ाना है। हम लोग क्या है कि हल्का सा भी हैंडल अपना डोला तो समझ लो अपन नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो इसका प्रॉपर अपने को ध्यान रखना है कि भाई पूरा स्टेयरिंग अपने कंट्रोल में होना चाहिए। तो गाइस, थोड़ा सा और बचा है, हल्की सी जो टफ घाटी है वो हल्की सी बची, बाकी ऊपर चलने के बाद देखते हैं भाई आगे चलने की क्या लोकेशन रहेगी, है ना। तो यहाँ जो लंबे लंबे पेड़ है इनके साइड से निकलते हुए चलते भाई, सीधा रास्ता है ना, तो सीधे ही चलना है अपने को कम्प्लीटली। बट मेरे ख्याल से गाइस, यहाँ पे आगे चल के अपने को एक और रास्ता दिख रहा था, अपन एक काम करते राइट ले लेते हैं, है ना, रिवर्स ले लेते सबसे पहले। तो अपन रिवर्स लेने के बाद मेरे ख्याल से अपन इधर चलेंगे राइट। ओ भाई, कंट्रोल ही नहीं हो पा रही, रड़क रही पीछे। चलो अपन तिरछा कर लेते हैं हल्का सा इसको, जिससे क्या है कि अपना बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस बनने के बाद अब चढ़ा लेते हैं अपन ऊपर, है ना। ऊपर चढ़ा के भाई अपने को क्या कि राइट ही चलना है, राइट का रास्ता अपन ने देखा नहीं, बाकी ये जो सीधा वाले ये तो अपन फॉर्च्यूनर और थार से कम्प्लीटली जा चुके कई बार, है ना। तो भाई ये भी काफ़ी शानदार रास्ता है, देख सकते हो आप अभी। बट आगे चल के अपन देखते हैं कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या है और कहाँ पे मिलेगी, है ना। तो भाई भगाते हुए लेके चलते अपन, पावर बटन भी दबा दिया अपन ने, स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भाग रही है अपनी गाड़ी, क्योंकि आप खाई देख सकते हो नीचे, इतनी तगड़ी खाई, इतनी खतरनाक है, और अपना रोड भी दिख रहा है जो कि अपन जिसपे से आए थे यहाँ पे कम्प्लीटली, है ना। तो भाई जल्दी से जल्दी चढ़ाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है अभी तो, काफ़ी ज़्यादा रिक्स वाली जगह पे अपन, जहाँ पे हल्का सा अपना हैंडल डोला कि अपन नीचे जाएंगे, कम से कम 1000 फीट के समथिंग नीचे जाने के चांसेस है ना। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं भाई, आराम आराम से भी चलना पड़ेगा थोड़ी जगह पे, बट ध्यान पूर्वक चलानी है अपने को, क्योंकि बेगानार काफ़ी छोटी गाड़ी और कूद सकती है, थोड़ा सा हल्का सा भी डोल गई तो कूद जाएगी नीचे, है ना। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, जंगल का रास्ता है, बट कोई जानवर नहीं मिलना चाहिए अपने को, देखते हैं आगे चलने के बाद क्या सीन रहता है ना। तो फुल स्पीड में भागाते भाई, काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ने लग गई, सुबह सुबह थी अभी, बट अभी ज़्यादा धूप पड़ रही है ना। तो इसमें क्या है कि अपने को ध्यान रखना है भाई, काफ़ी लंबा जाना है अभी, आप देख सकते हो वहाँ तक रोड दिख रहा है अपने को अभी, क्लियर जो एंडिंग वहाँ तक है लास्ट तक, है ना। तो इन सबसे बचते हुए चलना है अपने को भाई, जो जंगल में पत्थर पड़े हुए हैं रास्ते पे, इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी गाड़ी हल्की सी डोल जाएगी तो अपन नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। तो पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हुए बढ़ाना है अपने को। तो गाइस ले चलते, स्टेयरिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है और हैंड ब्रेक पे, है ना, दोनों ब्रेकों को कंट्रोल में रखना है भाई, और कंट्रोल में रखते हुए चलाना है अपने को, जो कि अभी तक मेरे को एंडिंग पॉइंट दिख नहीं रहा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, बट एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा कि कहाँ पर एंडिंग पॉइंट है ना। तो जल्दी से जल्दी ले चलते और देखते हैं भाई, काफ़ी स्पीड से चल रही है भाई, काफ़ी स्पीड से 140 के समथिंग, ऐसी भयानक जगह पे 140 के समथिंग चल रही है। आप आगे घाटी देख सकते हो, कितनी टफ घाटी आ गई है आगे, जिसके कारण क्या है कि गाड़ी की रेस आप रुक कम हो गई है, क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण क्या है कि लोड नहीं पकड़ पा रही थी वो, तो उसका गियर भी चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो जल्दी से जल्दी चढ़ाते इस घाटी को और आगे का व्यू देखते हैं कि भाई आगे क्या सीन होने वाला है आगे का, है ना, कैसी घाटी क्या ब्रिज आएगा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा टफ रिक्स वाली जगह पे अपन अभी फ़िलहाल, आप देख सकते हो दोनों तरफ कुआ खाई जैसा सिस्टम है ना। तो पूरा ध्यान रखना है अपने को, पूरा कंट्रोल में रख के उतारना है, क्योंकि कैसे भी करके अपने को इस मिशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस, देख सकते हो आप नीचे घर वर पुल वुल ब्रिज सब दिख रहा है अपने को, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया अपने, दूर दूर तक की चीज़ अपने को क्लियर नज़र आ रही है ना। तो इसको कैसे भी करके अपने को समाप्त करना है भाई, और हल्के हल्के उतरना है, जो कि अपने को एंडिंग पॉइंट दिख सकता है इसका चांसेस है ना। तो पूरा ध्यान रखते हुए उतरना भाई, काफ़ी खतरनाक घाटी आ रही है, जिससे अपने को क्या है कि अब उतरना है, उतरने वाली है, जो कि आप देख सकते हो है ना, काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है ये वाला सीन भाई, काफ़ी ज़्यादा टफ घाटी है। तो आप कैसे उतारेंगे, ब्रेक पूरे ब्रेक पे कंट्रोल होना चाहिए, और हैंडल पे भी, स्टेयरिंग कंट्रोल में है तो सब कंट्रोल में है ना, पूरा ध्यान रखते हुए उतारना है अपने को वो। बाकी आगे का सीन देख सकते हो, कितने शानदार मकान, गुड लुकिंग रास्ता है भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ी है एकदम, मतलब 180 पे चली गई, 120 से गाड़ी अपनी है ना। तो इनका ध्यान रखते हुए अपने को निकलना है भाई, जो कि अपने को ब्रिज के पास अपना मकान है वहाँ पे कम्प्लीटली इसको पार्क करके आना है, जो कि आप ब्रिज सामने देख सकते हो। तो गाइस अभी भी अपनी गाड़ी रड़क रही है ना, काफ़ी तरीके से, काफ़ी स्पीडली रड़क रही है, तो आप देख सकते हो। तो अपन चलेंगे ब्रिज के जस्ट नीचे से निकलते हुए एक राइट वाले रास्ते पर, जो कि आगे चल के मिलने वाला है अपने को। गाइस जिधर इसका एंडिंग पॉइंट है उधर ही चलना है अपने को ब्रिज का, जो कि अपना मकान वहीं पर कम्प्लीटली है, तो अपने इसको वहीं पे पार्क करने वाले। ओ भाई सिट,
एंडिंग पॉइंट में एक्सीडेंट हो गया, इतने बच के आए थे, बट ऐसी जगह पर आ गए, ऐसे रिक्शे से बच के आए और ऐसे रास्ते पे ठुका गए। तो यहाँ से बचते हुए चलते, ये देख सकते हो आप ब्रिज जिस पे कि अपन निकल के जाते हैं इससे हमेशा कभी कभी, है ना। तो इसका ध्यान रखते हुए अपने को क्या कि चलना है। तो भाई इधर तो अपन रॉन्ग साइड जा रहे हैं मेरे हिसाब से, है ना। अपने को क्या है कि गाड़ी घुमानी पड़ेगी, क्योंकि अपना उधर वाले पॉइंट पे है, ब्रिज के उधर वाले पॉइंट पे अपना मकान बना हुआ है कम्प्लीटली। तो इसको क्या है कि मकान को करना है, मकान के पास इसको पार्क करना है कैसे भी करके। तो पूरी स्पीड से भागाते हुए ले चलते हैं भाई, जो कि ब्रिज की एंडिंग है वहीं पे कम्प्लीटली अपने को पार्क करना है पूरे ध्यानपूर्वक। और बस भी देख सकते हो रेड कलर की बस चलती है हमारे इस रोड पे, जो कि इंदौर भोपाल में कम्प्लीटली चलती है। तो भाई ये दोनों आ गई सामने, लो जब एंडिंग पॉइंट पे ठुकना है इन सबको, है ना। तो यहाँ से बचते हुए निकलते हैं भाई, पर गाइस मानना पड़ेगा वेगानार ने भी उस मिशन को कंप्लीट कर दिया जिसे फॉर्च्यूनर और थार ने किया था, है ना। छोटी मोटी गाड़ियों की गिनती में नहीं आती है, बट छोटी इसका मतलब ये नहीं कि अंदर के पावर भी छोटे हैं, बट काफ़ी हाई लेवल की गाड़ी है एक तरह से मानो तो इसको। तो गाइस देख सकते हो इसका ब्रिज का एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो इधर था, पर अपन ज़्यादा आगे निकल गए क्योंकि अपने को इधर से रास्ता नहीं है। तो अपन इधर से घूम आएंगे, तो यहाँ से अपन लेंगे राइट, है ना। तो यहाँ से ले लेते हैं राइट, भाई कंट्रोल ही नहीं हो रही हो, गन्ने के खेत में भरे जाते भी। तो यहाँ से राइट देते हुए निकल चलते, और अब देखते हैं किधर है ब्रिज का एंडिंग पॉइंट। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए अपन ब्रिज के चक्कर में, काफ़ी ज़्यादा स्पीडली गाड़ी थी अपनी। तो आगे चल के अपन फिर से घुमाएंगे इसको, मेरे ख्याल से अपन जंगल में से निकल चलेंगे अब, है ना। पूरा ध्यान रखते हो भाई, देख सकते हो आप। तो यहाँ से ले लेते हैं अंदर, गाइस अपन काफ़ी ज़्यादा राउंड मारते हैं, अपन इतना राउंड मारना नहीं था अपने को, बट मेरे ख्याल से अपने को ध्यान से देखते हैं पहले ब्रिज की एंडिंग कहाँ पे, अपनी गली मिल नहीं पा रही है अपने को कम्प्लीटली, है ना। तो गाइस देख सकते हो ये ब्रिज की एंडिंग इधर है, तो अपन यहाँ से काट लेते हैं इसको और कम्प्लीटली अपन अब चलेंगे खेतों में से, सीधे सीधे खेतों में से अपन अपने मकान के पास ही निकलेंगे जस्ट, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो जो कि अपने खेत है, अपने खुद के खेत है, और ये आ गए अपना घर जो कि वो दिख रहा है सामने आपको, और जेसीबी खड़ी है अपनी, गाय बंदी है अपनी। तो कम्प्लीटली अपन इसको यहाँ पे पार्क करेंगे अपने घर के जस्ट सामने, है ना। तो अपन ले लेते हैं भाई रिवर्स, इधर घुमा लेते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट घुमाने के बाद अपन प्रॉपर इसको अपने घर के सामने कम्प्लीटली खड़ा कर देते हैं ना गाइस। और गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।